पाकिस्तान के बीच होगी एक अनोखी ट्रॉफी। अब भारत और पाकिस्तान के बीच होगी गांधी जिन्ना ट्रॉफी। जैसे कि आपने देखा होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम पर इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का नाम रखा गया है, जिसे भारत और ऑस्ट्रेलिया बड़ी बखूबी से खेलते हैं। अब ऐसे ही चक्कर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी जिन्ना गांधी ट्रॉफी होने जा रही है। इसका दावा करा है पाकिस्तान के आला, पाकिस्तान पीसीबी के चीफ ज़का अशरफ ने। ज़का अशरफ अपने बयानों के चक्कर में काफी चर्चाओं का विषय रहते हैं। एक बार फिर से ज़का अशरफ ने एक आग भड़का दी है। क्या है वो आग और क्यों जिन्ना और गांधी ट्रॉफी होने जा रही है भारत पाकिस्तान के बीच में, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैचेस आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही होते हैं या फिर एसीसी टूर्नामेंट में होते हैं। दोनों ने बायलेटरल सीरीज खेलना आपस में बंद कर दिया है। साल 2011-12 में आखिरी बार पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, जब पाकिस्तान की टीम 2 T20 और 3 ODI मैचों की सीरीज के लिए भारत आई थी। 2007 से पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलना छोड़ दिया है। 2007 के बाद मुंबई अटैक हुआ था, आप सभी को वो अटैक याद होगा। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में आपसी रिश्ते खत्म हो गए हैं और क्रिकेट के रिश्ते भी खत्म कर दिए गए। तो इसीलिए अब पाकिस्तान और भारत के बीच में, दोनों के बीच में कोई भी बायलेटरल सीरीज, कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं होती है, सिर्फ आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में ये दोनों खेलते हैं। अब इसी को लेकर ज़का अशरफ ने अभी थोड़े टाइम पहले एक स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने कहा है बीसीसीआई के सामने, मैंने ये मांग रखी है कि हमारे बीच में या इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक जिन्ना गांधी ट्रॉफी होनी चाहिए। और आगे उन्होंने कहा है कि देखिए, इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है वो किसी त्यौहार से बड़ा होता है। उसके सामने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और एशेज जैसी सीरीज भी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि लोग इतना लुत्फ के साथ इस सीरीज को एंजॉय करते हैं। आपको याद होगा गांधी और जिन्ना, यानी गांधी और मोहम्मद जिन्ना, इन दोनों ने ही भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद जिन्ना ने पाकिस्तान बना दिया और भारत पाकिस्तान अलग हो गए। तो इन दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है आज़ादी दिलाने में, अंग्रेजों से लड़ने में। इसीलिए ज़का अशरफ ने कहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि दोनों के बीच क्रिकेटिंग संबंध अच्छे हो और हम दोनों के बीच एक ट्रॉफी कराएं, एक सीरीज कराएं, जिसका नाम गांधी जिन्ना ट्रॉफी रखा जाए। और ये सीरीज हर रिकॉर्ड तोड़ देगी, चाहे वो एशेज के हो, चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हो। तो ज़का अशरफ है भैया, अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियाँ बटोरते हैं कि ये बयान इनका बहुत चर्चा में आ रहा है। अब कमेंट्स करके आप अपनी राय बताइए और ये भी बताइए कि आप भी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में गांधी जिन्ना नाम की एक ट्रॉफी होनी चाहिए, एक बायलेटरल सीरीज होनी चाहिए। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे इसमें जरूर बताइए।